चलो कैमरा ऑन करो। सो देखो, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन का ही थोड़ा एक्सटेंशन पढ़ना है जो कि मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू बताएगा। ठीक है, अभी तो मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू डिफरेंशिएशन के अंदर ही आता है, जिसमें ग्राफ, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन जो पढ़ते थे ना, वो डिफरेंशिएशन किसी कर्वी लीनियर शेप का, इन शॉर्ट कहा जाए तो कर्व के शेप का कुछ पॉइंट होता था। जैसे मान लो अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा है, तो उसमें कोई पूछे कि मैक्सिमम पॉइंट क्या है, आप बता सकते हैं ये मैक्सिमम पॉइंट होगा। अगर कोई पूछे मिनिमम पॉइंट क्या होगा, तो ये बता सकते हो कि ये मिनिमम पॉइंट होगा। लेकिन ये कब बता सकते हैं, जब आप ग्राफ देखेंगे तब। आपको ग्राफ पता है तब। और हर क्वेश्चन में जो इक्वेशन होता है वो ग्राफिकल फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, जैसे हम लोग जो इक्वेशन देख रहे थे, मान लो 3x² + 2x जो है प्लस 3, ऐसा कुछ नंबर है, ये वैल्यू दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन से ग्राफ बन सकता है। लेकिन वो ग्राफ बनाया हुआ तो है नहीं, देख तो रहे नहीं हो कि वो ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो अब उसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो आप बता नहीं पाएंगे, बिकॉज आप ग्राफ तो देख नहीं रहे। एक मिनट रुक, हम थोड़ी देर बाद ही बताते हैं, सबको ज्वाइन कर लो, बहुत कम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मिनिमम जब डायरेक्टली इससे हो जाएगा तो पहले ये कर लो, फिर उसको कर लेना। ठीक है, बोलो। कौन सा लिमिटेशन? हाँ हाँ, तो उसी में आता है ना, लिमिट और कंटिन्यूटी एक साथ बता देंगे, मैक्सिमम मिनिमम और डिफरेंशिएबिलिटी एक साथ, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत कोई का मैथ कुछ भी नहीं है, तो अगर हम लिमिट से शुरू करेंगे ना तो फिर पता चला सब गया। हाँ, गोल गोल कुछ बताए। ठीक है, चलो। सॉरी मैम, उल्लेख हो गया, फिर से उसको बता दीजिएगा मैम, क्योंकि आज ही शुरुआत हुआ, मिनिमम मैक्सिमम तो नहीं समझ में आएगा। ठीक चलिए, मेरा कोशिश यही है कि उसी सेक्शन से शुरू करें जहां से तुम लोग को प्रॉब्लम कम हो। अब उसमें भी प्रॉब्लम हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। इक्वेशन में सॉल्व इसी को करना रहता है, एग्जाम में बात करो या फिर जो भी आप सॉल्यूशन निकालते हैं, और उसका अगर फिजिकल इंटरप्रिटेशन पे नहीं जाते हो तो जो सॉल्यूशन निकालना होता है वो इसी फंक्शन का निकालना होता है। एग्जैक्टली यही फंक्शन होता है, इसी को सिंप्लीफाई करना होता है, मतलब सारा का सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन सिर्फ इसी फंक्शन पे होता है। बट एक्चुअल जो टर्म होता है, इसके बैकग्राउंड में जाइएगा तो ये ग्राफ होता है, ये जो भी फंक्शन होता है वो एक तरह का ग्राफ होता है। अब उस ग्राफ को जब देखेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम पढ़ने का मतलब ये है कि आप इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे जा रहे हैं और उसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अगर ग्राफ ऐसा हो तो मैक्सिमम यहाँ मिनिमम यहाँ ये पॉइंट हो सकता है, ग्राफ कुछ मान लो ऐसा ही हो सकता है तो मैक्सिमम पॉइंट यही हो। ठीक है, ग्राफ अगर रिवर्स में चला जाए, ऐसे चला जाए, तो मिनिमम पॉइंट होगा, इसमें मैक्सिमम पॉइंट नहीं है, इसमें अब ये पॉइंट है क्या, जिस वैल्यू पे ये ग्राफ मैक्सिमम पॉइंट अटेन कर रहा है, ऑब्वियसली सिंपल सा दिख रहा है, इस ग्राफ को जब आप ऐसे कंसेप्ट कर रहे हैं तो ये पॉइंट सबसे क्या है, सबसे ऊपर का पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आप मैक्सिमम पॉइंट बोल रहे हो। वेटिंग में है कुछ बच्चे में। इस पॉइंट पे जो ग्राफ अगर बनाएंगे तो ये जो पॉइंट होगा वो
मिनिमम पॉइंट होगा। इसी को मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट कहा जाता है डिफरेंशिएशन का, जो भी फंक्शन हो। डिफरेंशिएशन में एक चीज जो समझना चाहिए इसको मैक्सिमम मिनिमम से रिलेट करने के लिए, वो सिर्फ ये है कि डिफरेंशिएशन जो देता है रिजल्ट, दैट इज एक्चुअली द टेंजेंट ग्राफ कर्व, ऐसा कुछ होता है। कोई भी कर्व का टेंजेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो जाता है, यही टेंजेंट को या फिर इस तरह के रिप्रेजेंटेशन का जो रिजल्ट होता है वही डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन वही होता है। अब इसी टेंजेंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैक्सिमम इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा, इधर से ये पॉइंट आ गया, यही टेंजेंट है, तो ये वैल्यू को हम मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। ये मैक्सिमम वैल्यू किसका होगा, इस कर्व का। और ये कर्व किससे बना है, सपोज ये कर्व इस इक्वेशन से बना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन पे जब ये वैल्यू, ये मैथमेटिकल वैल्यू, यहाँ पे कुछ एक्स वाई का कोऑर्डिनेट होता है, ये वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और अगर यही पॉइंट यहाँ वाला जो कोऑर्डिनेट रखेंगे तो वो हमें मिनिमम वैल्यू देगा। अब इस चीज को तो ग्राफिकली इससे बस इंटरप्रेट करके ये लिखना है, बस इतना मतलब है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे ये देखो, इतने में कोई दिक्कत है तो बताओ। इसी चीज को यहाँ पे ले सकते हैं, इसमें मैक्सिमम पॉइंट ही है, ये जो कोऑर्डिनेट आएगा वो होगा, इधर से ये कोऑर्डिनेट जो आएगा वो होगा, ये कोई ना कोई पॉइंट ही है ना, किसी का पर्टिकुलर इसका कोई मैथमेटिकल वैल्यू होगा। अब यही आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है। अब इसी को क्वेश्चन के रेफरेंस में देखोगे तो मान लो ये फंक्शन है, इस क्वेश्चन को हटाओ, ये बस जानना था चूंकि कर्व है बस इसलिए। अब मैक्सिमम मिनिमम जब पढ़ना शुरू करते हैं, जो सॉल्यूशन बेस्ड है वो रिजल्ट है, मान लीजिए आपने लिखा है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये वैल्यू है, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो मैम, एक बार फिर से समझा दीजिए ना, थोड़ा सा नहीं समझ में आ पाया। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन को पहले देख लो फिर हम ग्राफ बता देते हैं, ठीक है। ओके मैम, y आपके पास ये फंक्शन दिया रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करना तो सबको पता है, dy by dx क्या होगा, 6x plus 2 हो गया डिफरेंशिएशन खत्म। तो यहाँ पे क्या करना होता है, पहला स्टेप जो होता है मैक्सिमा या फिर मिनिमा निकालने का, पहला स्टेप है आप dy by dx निकालिए, और वो एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट करना चाहिए मतलब इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आना चाहिए, जो कि आया है 6x plus 2 is the value of dy by dx। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, dy by dx जो भी आया है उसको इक्वेट कर देते हैं जीरो से, जीरो से इक्वेट कर देते हैं। जब जीरो से इक्वेट करोगे मतलब हो जाएगा 6x plus 2 is equal to 0, that means 6x is equal to minus 2, x is equal to minus 2 by 3। बताओ लिख सकते हैं सर, और अगर इसको माइनस वन लिखेंगे, बोलो इतना किया जा सकता है। स्टेप वाइज स्टेप वाइज इसको लिखो पहले। फर्स्ट स्टेप, हमारे पास फंक्शन है, यू हैव टू डिफरेंशिएट दैट फंक्शन। सेकंड स्टेप में डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट होगा दैट इज इक्वल टू जीरो लिखो, ठीक है। अब अगर ये जीरो आ जाएगा तो x का कुछ वैल्यू मिलेगा, x का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू को बस आप नोट करके रखिए, कुछ करना नहीं है, बाद में जो करना होगा करेंगे, बट ये वैल्यू आप नोट करके रखिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, नो मैम। चलो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, थर्ड ऑप्शन जो होगा, थर्ड है, थर्ड स्टेप में क्या करोगे, जो रिजल्ट आया था ना इसको दोबारा से फिर से डिफरेंशिएट करोगे। इस रिजल्ट को ध्यान देना, इस रिजल्ट को या फिर हमारे को या इसको, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे,
क्या कर रहे हो, जो फर्स्ट डेरिवेटिव का रिजल्ट आया है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे। लिखोगे डेल स्क्वायर y by x dx स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, 6 आ जाएगा मैम। और ये जो 6 है मैम, इस रिजल्ट को आपको देखना है ये ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है, ये देखना है, इस रिजल्ट को ऑब्जर्व करना है। समझ रहे हैं? यस मैम। फर्स्ट स्टेप फिर से हम बोल दे रहे हैं, पहला टर्म जो है यू हैव टू डिफरेंशिएट दैट, उसके बाद उस डिफरेंशिएटेड रिजल्ट को जीरो से इक्वेट करना है, जीरो से इक्वेट करने के बाद एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। इस एक्स के वैल्यू को बस यहीं पे निकाल के छोड़ दीजिए, इसका कुछ फर्दर अभी यूज नहीं करना, बाद में करना है, ये आ चुका है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में जाओगे तो इस रिजल्ट को जो डिफरेंशिएट करके आया था उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। जब दोबारा डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लेना है whether that result is greater than 0, is equal to 0 or less than 0, ठीक है? अगर वो greater than 0 है तो मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमा पढ़ रहे थे ना, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे लिख लो, gives मैक्सिमम वैल्यू, gives मैक्सिमम वैल्यू। और अगर ये रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, ये वाला जीरो की बात अभी नहीं कर रहा है, जीरो यहाँ नीचे लिख लेना, ये जो लेस आता है देन इट गिव्स मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो जब आ जाता है तो हमें फर्दर और कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है, बट लकीली तुम लोगों को ऐसा फंक्शन नहीं मिलेगा, ये चांस बहुत ही रेयर है। ठीक है, अगर इज इक्वल टू जीरो आ जाता है तो आपको थर्ड डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, डेल क्यूब ये निकालना पड़ेगा, बट ये आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सिर्फ वो दो याद रखिए, अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, लेस देन आता है तो लेस देन आता है तो मिनिमम, उल्टा होगा, ग्रेटर देन आता है तो मिनिमम, लेस देन आता है तो मैक्सिमम। मैम सही तो आप लिखी थी मैम, अगर 6 0 से बड़ा है तो मैम मैक्सिमम आप लिखी थी, मिनिमम उल्टा होगा, उल्टा होगा नहीं, नेगेटिव मैम वही होना चाहिए मैम, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम वैल्यू, अपोजिट होगा। ठीक है, थर्ड टाइम कब करेंगे, जब क्या मैम थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन कब करेंगे, थर्ड टाइम करेंगे जब इसका वैल्यू जीरो आ जाए, अगर यहाँ 6 नहीं होता ना, जीरो आ जाता ना तो थर्ड टाइम करते। मैम जीरो का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो का डिफरेंशिएशन बट डिफरेंशिएटेड वैल्यू जीरो होगा, बट वो आपको करना ही नहीं है, वो आपके क्वेश्चन में नहीं, थर्ड डेरिवेटिव मैम तो जो हमारा 6 आया उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 6 आया उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आएगा डिफरेंशिएशन होगा, वो बोले तो वो केस एराइज नहीं होगा तुम्हारे केस में, वो केस और अगर तो जीरो आ उस केस में मॉडिफाई करके लाया जाता है, बस यही दो कंपैरिजन तुम याद रखो, लेकिन यहाँ पे ये याद रखिएगा ग्रेटर वैल्यू है तो मिनिमम, लेस है तो मैक्सिमम, ये ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक मत करना, ग्रेटर है यहीं पे तो मिस्टेक हो रहा है मैम, हाँ, तो मिनिमम जीरो से बड़ा है तो मैं मैक्सिमम होगा ना, ग्राफ के अनुसार जीरो से बड़ा होगा तो मिनिमम वैल्यू देगा, और अगर जीरो से छोटा है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। मैम अपोजिट क्यों है, मैम अपोजिट क्यों है, उसका बहुत सारा रीजन है, स्क्वायर क्यूब वाला टर्म्स भी कर्व पे डिपेंडेंट है, क्योंकि फंक्शन स्क्वायर और क्यूब टाइप का आएगा इसलिए। ठीक है, समझ गए?
फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएशन इक्वेट टू जीरो वैल्यू ऑफ एक्स निकाल लो, ये निकालने के बाद सेकेंड डेरिवेटिव करोगे, सेकेंड अगर इज इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन जीरो आता है मिनिमम वैल्यू देगा, लेस देन जीरो आता है मैक्सिमम वैल्यू देगा। यहाँ पे क्या आया है ग्रेटर देन जीरो, तो ये कौन सा वैल्यू देगा मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, अब ये जो मिनिमम वैल्यू देगा ये तो हमें पता चल गया, लेकिन वो मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे देगा, वो पॉइंट ये है, समझ गए। अब रिलेट करना है, उतना करने के बाद इस पॉइंट का काम आता है, मतलब वो वैल्यू जो इक्वेशन इसमें आने वाला है ग्रेटर देन सेकंड डेरिवेटिव चूंकि पॉजिटिव आ रहा है तो वैल्यू मिनिमम मिलेगा और वो मिनिमम इस पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, अब इस पॉइंट का काम आया है, इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मतलब ये वैल्यू अब इस इक्वेशन पे रखियो। सो फोर्थ स्टेप पे क्या करना है, इस वैल्यू को इस इक्वेशन पे रखना है और यहाँ पे आपका 3x का वैल्यू माइनस 1/3 प्लस इसका स्क्वायर 2 इंटू माइनस 1/3 प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, y इज इक्वल टू इतना है तो ये हो जाएगा 3 और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/9 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2/3 प्लस 3 से कैंसिल कर लो, 3 चल रहा है 1/3 माइनस 2/3 प्लस 3, इसको सिंप्लीफाई करो एलसीएम क्या आ जाएगा 3 सो 1 माइनस 2 प्लस 3 ना 9 सो 1 माइनस पॉजिटिव 1 10 माइनस 1 8/3। ठीक है, सो 8/3 ये जो वैल्यू मिल रहा है ये इसका मिनिमम वैल्यू है, ये होता है पूरा का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब बताओ उसमें कौन सा स्टेप है जो कंफ्यूजिंग लग रहा है, इस क्वेश्चन के रेफरेंस में क्या स्टेप है जो कंफ्यूजिंग लग रहा है वो बताओ। फोर्थ मैम, फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप में क्या करना है, जो एक्चुअल क्वेश्चन था ना ये वाला, यस मैम, इस क्वेश्चन में जो सेकंड स्टेप में वैल्यू निकाले थे उस वैल्यू को यहाँ लेके इस पे एक्स के वैल्यू पे रिप्लेस कर देना। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो मैम, हम लोग एक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू निकालने हैं, क्या इसी क्वेश्चन का हम लोग मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं? दोनों एग्जिस्ट कर सकता है कभी कभी और कभी कभी नहीं भी कर सकता है। केसेस में एक्स का वैल्यू, यहाँ पे एक्स का एक ही वैल्यू आया है तो या तो ये मैक्सिमम होगा या तो ये मिनिमम होगा, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, समझ गए? ओके मैम। अगर एक्स का वैल्यू 2 आता है तो आंसर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों देगा, लेकिन अगर एक्स का वैल्यू 1 आता है तो सिर्फ एक मिलेगा, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। सो यहाँ जो रिजल्ट आया है वो क्या मिला है, मिनिमम मिनिमम मिला है, ये हम थर्ड स्टेप से बताएंगे। और क्या मिला है मिनिमम, वो 8/3 फोर्थ स्टेप से बताएंगे। ठीक है ऋतिक? यस मैम। प्रत्यय? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। यस मैम, यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। गौरव, मेरा कैमरा फिर से बंद हो गया। नो मैम। चलो अब इसी तरह का एक क्वेश्चन हम दे तो बना के दिखा सकते हो, सेम स्टेप फॉलो करते हो, हम क्वेश्चन ऐसे ही रहने देते हैं, स्टेप बस यही फॉलो करना है आपको, बस सिंप्लीफाई करना है। Yes, ठीक है, चलो लिखो तो जरा। Y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, सेम पैटर्न का ही दे रहे हैं, ये है। सब लोग सॉल्व करो, ईच एंड एवरी पर्सन।
और जिसको भी जहां जिस स्टेप में प्रॉब्लम हो रहा है पूछो, क्योंकि इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें मैक्सिमा मिनिमा दोनों होगा। तो यहाँ पे पहले इस चीज को कवर कर लीजिए। यस मैम, हो गया मैम। पहला डिराइवेशन 12x+9 आया है, फिर उसको जीरो किए हैं तो -9/12 आया है। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? पहला स्टेप पे क्या आया है मैम? 3/4 आएगा x का वैल्यू। 3/4 फर्स्ट डेरिवेटिव -3/4 आ जाएगा मैम। -7/8 होगा मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू 137/8। 137/8 ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? नो मैम। सेम क्वेश्चन हम बस एक टर्म यूज कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस इंपोज कर दे रहे हैं। अब सॉल्व करके देखो तो जरा, जो क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व किए हो ना, सेम क्वेश्चन है, बस हम यहाँ माइनस इंपोज कर दे रहे हैं, सिर्फ माइनस। अब क्या रिजल्ट आ रहा है देखो, 3/4 मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, सेम टर्म आएगा, कुछ कैलकुलेशन में चेंज नहीं आएगा, थोड़ा बहुत तो आएगा, आएगा कैलकुलेशन में चेंज आएगा मैम। उसमें माइनस जोड़ दिए थे, उसमें घटेगा वैल्यू, कम जाएगा और 54 कम जाएगा। लास्ट स्टेप में चेंज होगा ना, ये स्टेप चेंज होगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू होगा क्या मैम? इसका वैल्यू होगा 137/8। 137/8 सेकंड वाले का घटाने के, जो घटाने के जगह जोड़ दिए थे। अच्छा तुम सी मगर बता दिए, थ्री बाय फोर क्योंकि माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 3/4 पॉजिटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, अब सेकंड डेरिवेटिव चूंकि नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा ना कि मिनिमम वैल्यू मिलेगा, इस पॉइंट को समझ रहे ना? दो मिनट मैम। अच्छा फिर पिछले कैरेक्टर कितना था, मतलब फोर्थ स्टेप का? फोर्थ स्टेप में आंसर। हेलो, हाँ बोलो बोलो, सुनाई दे रहा है मुझे। हाँ पिछले का जिसमें -6 की जगह, मुझे नहीं पता, मैंने सॉल्व नहीं किया ना, था उसका आंसर कितना था ये बनाया लोगों ने? सॉल्व नहीं किया क्या मुझे, तुम्हारा क्या आंसर आया तुम देखते हो उतना आएगा या नहीं? 29/8 है -6। फर्स्ट का है 29/8 फर्स्ट एक एक स्टेप का अपना इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट ये एक देखो, एक चीज, अब किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव आना बहुत जरूरी है। अगर ये रिजल्ट नहीं आया, दैट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, अगर ये नहीं आएगा तो आगे का प्रोसेस ही नहीं होगा। ये रिजल्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, ये रिजल्ट एग्जिस्ट करेगा, इसके बेसिस पे एक्स का वैल्यू निकालोगे, इस एक्स का वैल्यू को निकाल के बस आप छोड़ दीजिए, इसका अब थर्ड स्टेप में कोई काम नहीं है। नेक्स्ट अब थर्ड स्टेप में आप वो चेक करेंगे, सिर्फ चेक किया जाता है वहां पे वैल्यू मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा या मिनिमम एग्जिस्ट करेगा या बोथ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? तो अगर मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा तो मैक्सिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट, मिनिमम एग्जिस्ट करेगा तो मिनिमम एट दिस पॉइंट, और मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही एग्जिस्ट करेगा इन केस तो एक्स का दो वैल्यू आएगा, तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है? इस माइनस वाले को हम सॉल्व करके बता देंगे, आपको जरूरत नहीं है।
बताओ ये अभिनव अभी आ रहा है तो उसको फिर से दोबारा बताओ। मैम माइनस वाले का आंसर 83 बाई 8 है क्या? नहीं 137 बाई 8 आ रहा है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो मैम। अगर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 लेते तो उसका जो वैल्यू है वो 12 आ रहा है, थर्ड डिफरेंशिएशन का उसका। तो मैम वो ग्रेटर देन 0 है तो उसका मिनिमम वैल्यू आना चाहिए। ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू आना चाहिए ऑब्वियसली। तो मैम उसका x का जो सॉल्यूशन आया है वो -47/16 आया है। -37/16 -47/16 पहले में ही है अभी। फोर्थ स्टेप बता दीजिए मैम। प्लस सिक्स देखते हैं पूरा ही बता देते हैं। फर्स्ट टर्म ये है ठीक है, डिफरेंशिएट करना है। माइनस वाला या प्लस वाला कौन सा बता दे? माइनस प्लस वाला बताइए मैम। एक पहला प्लस वाला बोल निकल प्लस वाला बताइए मैम। वही हम लोग बनाए हैं प्लस मैम। प्लस एक बता चुके थे तो माइनस ही बताना चाहिए। चलो ठीक है 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन dy/dx क्या होगा? 12x हो जाएगा प्लस 9। 12x प्लस 9 यस मैम। ठीक है सेकंड में क्या करना होता है? इस रिजल्ट को dy/dx = 0 करना है, मतलब 12x + 9 = 0। That means 12x is equal to minus 9. Minus 9 by 12. Minus 9 by 12. Minus 3 by 4. Minus 3 by 4. ठीक है ये वैल्यू यहाँ निकाल के छोड़ देना बस। ठीक है उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन। अब सेकंड स्टेप पे डबल डिफरेंशिएशन। जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन that means d square dy square by dx square यही लिखना, ये नोटेशन भी देख लेना क्या कर रहा है। ठीक है d square y होगा और नीचे dx square होगा। This is equal to 12। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। Greater than 0 मतलब minimum value। Minimum. Minimum value है this at which point? उस particular point पे, इस particular point पे, value पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो y का वैल्यू था उस पे इस वैल्यू को रखना है। That means 6 into x का वैल्यू क्या जाएगा? Minus 3 by 4 a square plus 9 minus 3 by 4 plus 7। समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं? X के वैल्यू पे बस इसको पुट कर रहे हैं। Next step पे 6 minus 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 by 16 by 16 plus minus 27 by 4 plus 7 by 1। ठीक है अब इसका एलसीएम निकालो तो इसको हम ऐसा करेंगे 54/16 तो 54/16 हो जाएगा। 54 यहां लिख देते हैं। चलिए अब और मैम नीचे वाले को एलसीएम लेंगे तो मैम 16 हो जाएगा एलसीएम। नीचे रिमाइंडर 4 या 8 आ जाएगा। 54/16 को उसके पहले वाले प्रोसेस में हम वो कर लेते हैं वहाँ पे और आसान हो जाता। अच्छा यहाँ 6 था ना। ठीक है यहाँ मैम 112 हो जाएगा यहीं से। 12 हाँ खैर उबूस कर लिया जा रहा है। इसी को सिंपलीफाई कर लोगे ना? 29/8 आएगा मैम आंसर। 29/8 ठीक हो गया। एक
एट और फोर का एलसीएम एट आ जाएगा मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 27 माइनस 44 प्लस यहाँ पे 56। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव 2 और ये तो कैंसिल, पॉजिटिव 2 और 29/8 था आंसर। Yes, 27 कैसे आ रहा था? वो क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन आप जो देंगे वो ये है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन इज 29/8। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है तो। अब सबका अलग अलग आंसर क्या आ रहा था, आप जोड़ घटाव बताना पड़ेगा हमको, प्रोसेस तो सब अलग नहीं आ रहा था मैम। जो लास्ट में वो हर्ष बताया ना 54/16 को 27/8 किया था हम, 54/16 लेके बना रहे थे तो 50/16 आ रहा था, 25/8 आ रहा था। हाँ, तो ऐसे ऐसे करोगे तब तो आंसर तो सेम ही आएगा, कैसे भी बना पड़ते हैं। सिंपलीफिकेशन लास्ट में करना पड़ेगा ना, लास्ट में सिंपलीफिकेशन तो करके लाना ही पड़ेगा। तो अगर इसको सिंपलीफाई करोगे तो आंसर बस यही चीज है, अब इसको आप जिस जैसे एक्सप्रेस करो, इसको 24 इनटू आप 5/8 भी लिख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। खत्म है, इतना एकदम दिमाग में आ गया? Yes, ma'am, ये आ गया समझ में। अब ये जो भी वैल्यू आ रहा है वो मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन है, मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू का क्वेश्चन तब होगा जब आपका ये रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आ जाए। वो रिजल्ट नेगेटिव आने के लिए अगर हम यहाँ माइनस साइन इम्पोज कर दें तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस करोगे तो डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ पे, माइनस 12x प्लस 9। इसको भी आप लिख लो कॉपी में, जिसको ज्यादा कंफ्यूजन होता है, पता चला ज्यादा स्मार्ट बन के नहीं लिखे और बाद में एक्स्ट्रा स्मार्ट बन गए। ठीक है, सो अब ये रिजल्ट ऐसे होगा, आप इसका जब इक्वेट करोगे जीरो से तो ये माइनस 12 यहाँ होगा, माइनस ये होगा, माइनस यहाँ भी होगा। अब ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाता है, तो ये जो रिजल्ट लास्ट में आएगा वो 3/4 जो आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। Yes. ठीक है, जब ये पॉजिटिव हो जाएगा अब इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव वहां करो तो माइनस 12x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस 12। सो ये माइनस 12 आ जाएगा एंड दिस इज लेस देन 0, तो वैल्यू कौन सा एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमम, ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो और एग्जामिनर को भी पता चले कि आपको पता है कि मिनिमम या मैक्सिमम कौन सा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो थर्ड स्टेप पे ये पॉइंट लिख देना। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है तो सारी वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, सो पॉजिटिव पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव मैम, 6 के आगे नेगेटिव साइन लगेगा, किस पे से नेगेटिव होगा, 6 के आगे माइनस 6x² है ना, हाँ ये माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस 27 मैक्सिमम वैल्यू, इससे पहले जो आ रहा था वो मिनिमम वैल्यू था, इससे ज्यादा जो अभी आ रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू है। ये चीज थर्ड स्टेप में मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, क्लियर है एकदम अच्छे से? यस मैम। चलो, और एक और सजेशन है,
इस तरह के क्वेश्चन को ना कभी भी गूगल पे सर्च करके मत बनाना, ठीक है? वो ग्राफ से बताएगा और बी स्क्वायर फोर ऐसी वो भी लगा देगा। तो इस अगर आप कॉपी करके कहीं से बना रहे हैं, इनकेस आप गूगल से, अगर अपने आपको ज्यादा स्मार्ट बने तो अगर समझ के गूगल से बनाओगे तो फॉलो करते हुए नहीं बनाएगा। और आपको जो पढ़ना है ना सिलेबस में, वो डिफरेंशिएशन के बेसिस पे मैक्सिमम मिनिमम बताना है, तो आपको यही स्टेप फॉलो करना है। अब गूगल सर्च करोगे तो ये स्टेप फॉलो करते हुए सॉल्यूशन नहीं देगा, ठीक है? इसलिए अभी अच्छे से एक एक स्टेप लिख लीजिए, एकदम अच्छे से दिमाग में सेट कर दो। गूगल में इसका आंसर नहीं मिलेगा वैसे नहीं है, मिल जाएगा। ग्राफ से बता देगा या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बता देगा या फिर किसी और तरीके से बताएगा, बट ये स्टेप फॉलो करते हुए नहीं लिखेगा। ये बहुत ही कम केसेस में लिख के मिलने वाला है, इसलिए गूगल से इसको मत बनाना, ठीक है? यस मैम। एकदम मत बनाना, नहीं तो उसका जो भी ड्रॉबैक है वो आप ही झेलेंगे, मुझे नहीं कुछ मिलना है, ठीक है? चलो लिखो एक क्वेश्चन अब आपके लिए, बनाइए जरा। लिखो तो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वन बाय वन बाई टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस इलेवन, ठीक है? ये है डिफरेंशिएशन करना, ऑलरेडी बता चुके हैं। पावर ऊपर ले जाके माइनस कर सकते हो, सब जानते हो। चलो इसको बना के देखो जरा। गूगल से क्वेश्चन जरूर कॉपी कर लेना, लेकिन आंसर बिल्कुल मत करना। फाइव एक्स प्लस इलेवन है, हाँ, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस इलेवन। स्टेप अभी तक लिखा ही हुआ है सारा, सो अपना देखिएगा क्या है। मैम इसका डिफरेंशिएशन कैसे बताई थी ऊपर करके मैम, मतलब तो इसको ऐसे लिख लोगे, ये टर्म जो है क्या था बता देना, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस इलेवन है ना, प्लस वन बाई टू कर लो, पावर माइनस वन होंगे, माइनस वन रूट तो नहीं था ना, पावर माइनस वन, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा तो पावर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है? अब डिफरेंशिएट करो, बस यही पावर हो गया ना, मतलब माइनस वन, हाँ पावर माइनस वन हो गया बस। आप इसको डिफरेंशिएशन जैसे जैसे जानते हैं, जो जो करते हैं वो करिए। मैम इसका थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कीजिए ना मैम। डिफरेंशिएशन हम करते हैं, चलो ठीक है। यस मैम, नहीं पहला स्टेप, पहले स्टेप पे डिफरेंशिएशन होता है, जो कि माइनस पावर में आए तो माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाता है, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस इलेवन का पावर माइनस वन माइनस वन माइनस टू, दिस इंटू फोर एक्स, फोर एक्स प्लस फाइव, इतना होगा डिफरेंशिएशन। इसमें माइनस टू क्यों किया, मतलब यहाँ पे इसे माइनस वन से मल्टीप्लाई हुआ है। डिफरेंशिएशन याद करो, एक्स का पावर एन होता है तो क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, तो यहाँ n की जगह माइनस वन है, माइनस वन का पावर भी कहीं तो माइनस वन इनटू माइनस वन, माइनस वन माइनस वन क्या होगा, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अच्छा हो x प्लस
सत्य यस मैम यस मैम ठीक है अब इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यूज निकालना अब इसका इक्वेट करो जीरो सिंपलीफाई करना यहाँ थोड़ा सिंपलीफिकेशन हो सकता है मुश्किल हो थोड़ा मतलब मुश्किल क्या है सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है मल्टीप्लीकेशन करिएगा तब ना मिनिमम मतलब नेगेटिव मैक्स ग्रेटर वैल्यू जीरो आ रहा है हो गया 19/8 पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव सागर सॉल्व हो रहा है हो रहा है अभिनव हो रहा है मोनिका यस मैम हो रहा है ज्यादा कैलकुलेशन करके लेंथी नहीं बनाना है ना क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग लेंथी बना सकते हैं तो ये थर्ड स्टेप है सॉरी सेकंड स्टेप दिस इज इक्वल टू जीरो है तो यहाँ जब सिंपलीफाई करोगे तो इसमें आपको करना है इस दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो मतलब यहाँ मैं नीचे का जीरो लगाई -4x - 5 वही चीज यहाँ पे बताना चाह रहे हैं लोगों को यहाँ पे पावर -2 है तो आपको क्या करना है दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो करते हो तो -1 उतना मतलब -4x - 5 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय ये चूंकि पावर माइनस है तो उसको नीचे लिख लो वैसे भी ये नीचे था क्वेश्चन में तो यहाँ पे आप इसको नीचे लिख लो आप इज इक्वल टू जीरो कर दोगे ना तो ये जीरो उधर जाके खत्म हो जाएगा ठीक है ये पूरा का पूरा डेटा उधर जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके जीरो हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपके पास बचेगा -4x - 5 = 0 दैट मींस 4x = 5 सो x = -5/4 ये किए थे बोलो सब साइलेंस है मतलब साइलेंस का मतलब नहीं पता यस मैम आया इतना आंसर यही किए थे चलो ठीक है तब आगे बताओ 4 आया है -5/4 चलो ठीक है सब तो बना ही लोगे अब आगे तो कुछ बताने लायक मुझे नहीं लग रहा है मैम x का वैल्यू रख करके बस सॉल्व करना है ना अब आगे x का वैल्यू जैसा भी रख दीजिएगा जब तक थर्ड डेरिवेटिव पता ना चले कि मैक्स को जीरो निकाल हां वो निकाल करके सेकंड डेरिवेटिव निकालना है उसके बाद ना तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो पहले अब वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है ये देखना माइनस माइनस पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना ये तो मिनिमम वैल्यू देगा मिनिमम वैल्यू आ रहा है मैक्सिमम क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऐसा ही काम हो
सेकंड स्टेप में हम आ जाएंगे तो इस टर्म का दोबारा डिफरेंशिएशन कर लो, इसको मत करना, उसी को कर लेना, ज्यादा बेटर ऑप्शन है, गलत होने का चांस खत्म हो जाता है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया जरा देखो, बताओ प्रत्यय पास्ट माही सौरभ कहाँ है सर, साक्षी साक्षी रोल नंबर 13 यस मैम। हाँ सॉल्व हो रहा है? नहीं मैम नहीं हो रहा है, ये वाला सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकल रहा। इससे पहले वाला हो रहा था? हाँ इससे पहले वाला हो रहा था। चलो तो इसको u into v पे बनाओ, u into v है, consider this as u और इसको v, ठीक है? अब differentiate करो, second derivative निकालो, जब इसको differentiate करोगी ये term, या फिर इसी को differentiate कर लो u by v पे, इसको differentiate कर लो u into v पे, 3/8 आपका श्रेयांश? यस मैम। हाँ बन गया? यस मैम बना रहे हैं। बना रहे हो, थर्ड स्टेप पे चले गए? बना नहीं रहे। चलो ठीक है, पहले में इसका डिफरेंशिएशन फंक्शन और फंक्शन था, तो ये डिफरेंशिएशन और ये भी आ जाएगा। ठीक है, इतने में अब आपको इससे x का वैल्यू निकालना था, तो इस टर्म को ऐसे डिवाइड कर लो, इज इक्वल टू 0 करोगे तो ये टर्म उधर से आ जाएगा, यहां से x का वैल्यू मिल जाएगा, यहां तक तो हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, आपको ये रिजल्ट को डिफरेंशिएट करना होता है दोबारा से, और उस रिजल्ट को ये देखना है कि वो पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है, मतलब माइनस साइन के साथ आ रहा है या फिर पॉजिटिव आ रहा है। माइनस आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? और एक्स का एक ही वैल्यू मिल रहा है, एक्स का तो वैल्यू हमें एक ही मिल रहा है, तो मैक्सिमम या मिनिमम आएगा दोनों को आएगा रेंज, है ना? चलो अब इसी को डिफरेंशिएट करना है, डबल डिफरेंशिएशन। जब डबल डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो हम इसी टर्म को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, माइनस साइन ऑफ ले लो तो माइनस श्रेयांश म्यूट करो ना। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या फिर आ जाएगा, माइनस टू टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन रहने देते हैं बाहर, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11 माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 है, 4x प्लस 5 है तो डिफरेंशिएशन 4x आ जाएगा, 4x का डिफरेंशिएशन 4 हो जाएगा प्लस साइन, इसको फिक्स रखना है, 4x प्लस 5 फिक्स हो जाएगा, दिस इनटू इसका डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो आपके पास माइनस 2 और माइनस 1 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई वाला 2 माइनस 2 इनटू माइनस, हम तो बोल रहे हैं मिटा दीजिए, वहाँ पे लाइट पड़ रहा है मैम, कुछ दिख नहीं रहा है, उसको थोड़ा सा नीचे लिखिए मैम, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब इसको डिफरेंशिएट करना है, नो मैम मैम ज्यादा कठिन, अब इसको विजिबल नहीं है, अब तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? यस मैम। और x plus 5 अब इस टर्म को, चूंकि अब यहाँ पे है टर्म को डिफरेंशिएट करने में रिजल्ट कैसे रियलाइज करोगे, फिर दिक्कत होगी ना, हम 2 क्यों लिखे हैं वहाँ, नहीं दिखता है सही से मैम, 2 यहाँ पावर पे है, नहीं यहाँ से अच्छा यही लोग बहुत अच्छा लिख रहा था। ठीक है, हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं, लाइट के जस्ट नीचे लिख देते हैं, ठीक है, इसके जस्ट नीचे लिख देते हैं, माइनस टू, रिजल्ट देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे यू इसको ले रहे हैं, वी इसको ले रहे हैं, माइनस साइन है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11 का पावर माइनस 2, यू को फिक्स रखा, वी को
डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4x का डिफरेंशिएशन 4 होगा, बताओ। यस मैम। यस मैम। प्लस साइन, अब इसको फिक्स करना है, तो 4x प्लस 5 फिक्स हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो उस टर्म को, जब उसको डिफरेंशिएट करिएगा तो पावर यहां क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो माइनस ऑलरेडी है और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 इनटू 2x स्क्वायर, क्योंकि अब इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करोगे तो 2 इनटू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11 इनटू 4x माइनस 2 प्लस 5, ठीक है मैम, इसको फिर पावर नहीं आएगा मैम, माइनस 2 का फिर माइनस 3, माइनस 2 है, माइनस 2 तो ऑलरेडी है, 2 है ना, मैम यहाँ पे तो 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर भी हो सकता है क्योंकि दो बार आया 4x प्लस 5। मैम दो बार 4x प्लस 5 क्यों आया? क्योंकि दोबारा डिफरेंशिएट होगा तो इसका रिजल्ट आएगा, करके देखो कॉपी पे, इसीलिए तो करने बोलते हैं, 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर कर लोगे, नेक्स्ट स्टेप पे कर लेना, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11 का पावर माइनस 2 प्लस, यहाँ 4 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ पे से, yes, तो कॉमन ले लो, ठीक है, और यहाँ पे माइनस कर ले दो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2 भी तो यहाँ पे बचेगा ना मैम, इधर 2 बचेगा ना, उधर नहीं ना, हम यहाँ 2 लिखेंगे ना, क्योंकि इससे तो 2 निकाले तो उसका 4 का 2 बचा, यहाँ पे माइनस 2 डालो, ठीक है, प्लस अब इस सेक्शन में जब आइएगा तो 2 बाहर जा चुका है, बचा ये वाला पोर्शन, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11 पावर माइनस 3 और 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर देखो, ठीक है, यस मैम, अब यहाँ पे जो ये टर्म है इन दोनों को 1/2 करके लिखा जा सकता है, यस मैम लिख सकते हैं, जब इसको 1/2 करके लिखोगे ना तो कुछ पावर्स आपका प्रोडक्ट होगा, पावर्स यहाँ और यहाँ टर्म कुछ ऐड होगा, और माइनस साइन जो भी है यहाँ पे, एक चीज रिजल्ट, इतने सारे को सॉल्यूशन करने के बाद अगर यहाँ तो माइनस कॉमन ले लेती हो और यहाँ पे ये माइनस साइन ले लेती हो तो इसी से पता चल जाता है कि द होल टर्म इज लेस देन 0, समझ गए? नहीं, देखो वापस सुनो, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है, ठीक है, इसलिए माइनस साइन है, पूरे टर्म में माइनस साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, माइनस साइन हम कॉमन ले लेते हैं इससे बाहर और इसमें प्लस दे देते हैं, जो भी सिंप्लीफाई करेंगे वो रिजल्ट जो भी आएगा, हाँ बस वही चीज है, यहाँ पे अगर माइनस साइन आ जाएगा तो ये पूरा रिजल्ट जो है दैट इज माइनस साइन है, मतलब क्या है, दैट इज लेस देन 0, तो ये पूरा टर्म लेस देन 0 है, सो मैक्सिमम वैल्यू, मैम लेकिन उसको सॉल्व कैसे करेंगे फिर मैम, जो आ गया मैम नीचे कर दिए, सॉल्व नहीं करना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकिन लाना होता है ना, क्योंकि उसको पूरे सिंप्लीफिकेशन के बाद भी लाना क्या, लाओगे क्या, एक्स के टर्म में आता है ना रिजल्ट, तो सॉल्व करके कोई फायदा नहीं होने वाला है, हमको बस ये देखना होता है, मैंने क्या कहा, थर्ड स्टेप इज फॉर ऑब्जर्विंग दैट वैल्यू वेदर दैट इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, माइनस साइन है लेस देन 0, क्योंकि माइनस 1 का मतलब क्या है, लेस देन 0, माइनस 2, माइनस 10, माइनस 100, माइनस 1000, कुछ भी है दैट इज लेस देन 0, अगर हम लोग डायरेक्टली अज्यूम कर लिए कि ये लेस देन 0 है, अरे माइनस साइन है दैट इज यस मैम, माइनस वन से कॉमन ले लिया, माइनस साइन आ गया, दैट मींस लेस देन 0, मतलब उसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, नहीं सोनिका, थर्ड स्टेप में भी क्या, ऑब्जर्व करना है वेदर दैट इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, ठीक है,
मोनिका 30 ठीक है. सो अगर लेस है मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट. अब मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा ये बता देना है. उसके बाद आपको करना क्या था इस इक्वेशन में और इससे पहले वाले इक्वेशन में एक्स का ये वैल्यू पुट करके सिंप्लीफिकेशन के बाद बस आंसर आंसर मुझे भी देखना चला क्या है 8/63 आ रहा है कुछ गलत. यस मैम 8/63 इज आंसर. देखो हमको क्या क्या मिस्टेक है. 1/1 है ना 1/1 ही करके सॉल्व करना है. 1 का मैं बीसी प्रो का चेंज हो जाए. मतलब आपको सिंपलीफिकेशन में क्या था आंसर ऐसे करना पड़ेगा 1/2x का 2x में x का वैल्यू क्या है -5/4 का स्क्वायर प्लस तो प्लस को माइनस ही हो जाएगा -5x का वैल्यू क्या है इनवर्स वैल्यू नहीं लिखी थी ठीक है यही करना है. बल्ले पड़ गया प्रैक्टिस करो इसका और एकदम अच्छे से दिमाग में फिट कर लो. इस तरह के क्वेश्चन को इसी स्टेप के थ्रू फॉलो करके सॉल्व करोगे. गूगल से सर्च नहीं करोगे एकदम नहीं करोगे. गूगल पे ग्राफ दिखाता है मैं. हाँ ग्राफ दिखाता है भाई भाई. क्या सर्च करके बना लो रिजल्ट बता देगा. आंसर वही आएगा जो उसमें आया है लेकिन आपको वैसे बनाना नहीं है. वो अलग ही बताएगा ठीक है. चलो ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास में इसी का हम दो वैल्यू जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा दोनों एग्जिस्ट करेगा वो बता देंगे. इसमें क्या था आइदर मैक्सिमम और मिनिमम कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा था. नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करने का क्वेश्चन होगा. मतलब इन शॉर्ट ये समझो कि x स्क्वायर जहां जहां मिल रहा है वहां x क्यूब मिलेगा ठीक है. चलो ठीक है. थैंक यू मैम हैव अ नाइस डे. थैंक यू मैम. हाँ जब भी होगी अब अगले साल मुलाकात हो. या हैप्पी न्यू ईयर. सेम टू यू.